बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अलीना खलील और मैं इस वक्त एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी सोच, एक ऐसी सोसाइटी के एलिमेंट के बारे में बात करना चाहती हूँ जो कि नॉर्मली पाकिस्तानी कम्युनिटी या हमारी कम्युनिटी जो कनाडा में रहती है या कैलगरी में रहती है, उसमें बहुत सारी फैमिलीज हैं जो उससे दो चार हैं, लेकिन इसके मामले में कोई करेज नहीं करता, कोई हिम्मत नहीं करता कि इसको ट्रीट किया जाए या इसको एड्रेस किया जाए या इसके बारे में बात की जाए ताकि इस मसले को हल किया जाए, और वो है हमारी नफ्सियाती सेहत। एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, एज अ मदर एंड अ फादर, जो माँ बाप के मियाँ भी होते हैं, इस उनकी नफ्सियाती सेहत पे एक फैमिली को रेज करते हुए, उनके लिए प्रोवाइड करते हुए जो उनकी सेहत पे इफ़ेक्ट पड़ता है उसको एड्रेस करना कि वो चिड़चिड़ापन, वो कमी, वो अकेलापन, वो स्ट्रगल, वो समझना कि मैं अकेला हूँ इस जद्दोजहद में, इन चीज़ों को फ़ेस करना, फिर बच्चों के मसाइल, इन सब चीज़ों को फ़ेस करते करते इंसान थक जाता है, उसके हिम्मत में कमी आ जाती है, उसकी सेहत में ख़राबी आ जाती है। और हम ये समझते हैं कि इस टॉपिक पे बात करने से हम किसी से कम हिम्मत हो जाएंगे या हमारा कोई स्टेटस कम हो जाएगा या इस बारे में कोई खुशदिली से हमें कबूल नहीं करेगा। बहुत सारे स्टिग्मास हैं जो इस टॉपिक से या इस मज़मून से रिलेटेड हैं या इससे जुड़े हुए हैं, और इन टॉपिक्स को आज ओपन अप करने के लिए, सबके सामने लाने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ हमारी पाकिस्तानी कैलगरी कम्युनिटी की बहुत ही अच्छी और एक्सपीरियंस्ड ख्वातीन मौजूद हैं जो कि आज की इस कॉन्वर्सेशन को लीड करेंगी, जिसमें हमारे पास हैं डॉक्टर अफीरा जो कि क्लिनिकल रिसर्च में है मेंटल हेल्थ में, और बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि एक औरत की सेहत, एक माँ की सेहत कितनी इम्पॉर्टेंट है, उसकी इमोशनल सेहत, उसकी साइकोलॉजिकल सेहत कितनी इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, ना सिर्फ उसकी अपनी, उसके हस्बैंड की और उसके बच्चों की। इसी तरह से मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर रेहाना रफ़ीक जो कि रजिस्टर्ड सोशल वर्कर हैं, पिछले 20 साल से वो कैलगरी में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। सोशल वर्क में लोगों के मसाइल, फैमिली प्रॉब्लम्स, जिसमें बहुत सारा स्ट्रेस भी शामिल है, जिसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी शामिल हैं, और उनको एड्रेस करना, लोगों के मसाइल को समझना, उनको रास्ता दिखाना, उनके लिए होप बनना कि इट्स नॉट ऑल लॉस्ट, हम अभी भी इसको फिक्स कर सकते हैं, अपने रिलेशंस को, अपने घर को, अपनी फैमिली को फिर से खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन इस सब के लिए हम सबको मिलकर थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी, थोड़ा सा बहादुर बनना पड़ेगा कि हम इस टॉपिक को खुशदिली से कबूल करें, इसको जो माहरीन मौजूद हैं उनसे सपोर्ट लें, उनसे बात करें, उनसे मशवरा करें, और कोशिश करें कि हम उन तमाम चीज़ों को अपनी लाइफ में पॉइंट आउट करें और उसके बाद हम उनको एड्रेस करें ताकि हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो इस प्रोग्राम को फर्दर लीड करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी डॉक्टर अफीरा से कि प्लीज़ आप आएँ और हमारी ऑडियंस को इन चीज़ों से मुस्तफीद करें कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की एफर्ट कर सकते हैं। आइए। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू अलीना एंड योर टीम कि आपने ये प्लेटफॉर्म हम सब के लिए क्रिएट किया। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, ताकि हम अवेयरनेस इसके बारे मेंटल हेल्थ के बारे में रेस कर सकें और जो स्टिग्मा है उसके अराउंड उसको हम रिड्यूस कर सकें। सो माई नेम इज़ डॉक्टर फीरा नाज, मैं फिजिशियन हूँ। मुझे मौका मिला डिफरेंट हेल्थ सिस्टम्स में काम करने का, पाकिस्तान में, फिर यूके। यहाँ मैं क्लिनिशन रिसर्चर हूँ और मेरा रिसर्च वर्क है इमिग्रेंट वुमेन मेंटल हेल्थ के अराउंड। सो जो मेरा काम है उसमें हमने समझने की कोशिश की कि इमिग्रेंट वुमेन मेंटल हेल्थ, उनके बैरियर्स क्या हैं, क्या चीज़ें हैं जो उनको सपोर्ट करती हैं, क्या चीज़ें हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ पे बुरे असरात डालती हैं, ताकि हम वो हेल्थ केयर सिस्टम को बेटर बना सकें। आई एम ऑल्सो ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ अ टीम
जिन्होंने एक फ्री मेंटल हेल्थ ऐप वेब बेस्ड ऐप डेवलप की डॉक्टर डॉन किंगस्टन की टीम के साथ, जो कि फर्स्ट फ्री वेब बेस्ड ऐप है होप फॉर वुमेन, जिसमें आपको फ्री स्क्रीनिंग टूल्स वुमेन के लिए हैं जो वो यूज़ कर सकती हैं, एविडेंस बेस्ड थेरेपीज़ हैं, दे ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ख़वातीन अपने कंफर्ट जोन के साथ, प्राइवेसी के साथ इन सारी रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती हैं। सो आई एम ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दैट टीम। आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड सेफ एंड साउंड थेरेपिस्ट, जस्ट कम्प्लीटेड माई सर्टिफिकेशन एंड आई विल स्टार्ट वर्किंग हेल्पिंग children with special needs and people who are struggling with anxiety and depression. This is a holistic approach jo hum isme use karte hain. I'm also a mental health educator. I've been working for women mental health for a long time here. I'm a public speaker. maine bahut sare platform pe baat ki hai, lekin ye bahut special hai kyunki isme hamari pakistani community together hai, and I'm really happy to talk to our community. I'm also a founder and president of CANSUM, Canadian Society for Women Mental Health. Hamara Facebook group hai, WhatsApp group hai, aur hamari ek choti si community hai women jisme hum support karte hain. Our mission is to create a safe space ख़वातीन के लिए, जहाँ पे वो कंफर्टेबल हो के बात कर सकें मेंटल हेल्थ के बारे में, वो सपोर्ट ले सकें जो उनको जिसकी ज़रूरत है, और जो रिसोर्सेज वो मेंटल हेल्थ के रिसोर्सेज हैं हम उन तक पहुँचा सकें। सो जो भी मेरा पैशन है, जो भी हमारी एफर्ट्स हैं, उसका समराइज़ इस तरह करना चाहूँगी। मेरा मैसेज यही है सबके लिए कि यू आर नॉट अलोन, और आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब यहाँ इमिग्रेंट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग इमिग्रेंट मेंटल हेल्थ क्या है। सो मैं एविडेंस बेस्ड कुछ बात स्टार्ट करूँगी। सो रिसर्च से और एविडेंस से हमें बताती है कि जब इमिग्रेंट आते हैं, अराइव होते हैं कैनेडा में, तो उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो कैनेडियन बॉर्न पॉपुलेशन से बेटर होती है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, बट वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वर्स होती जाती है, और कुछ रिसर्च हमें बताती है कि 5 साल में वो फिर डिसअपियर हो जाती है। इसको हम कहते हैं हेल्दी इमिग्रेंट इफेक्ट, और ये हेल्दी इमिग्रेंट इफेक्ट ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर डिसअपियर हो जाता है। सो वो क्यों हो जाता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और इसमें वुमेन जो इमिग्रेंट वुमेन हैं उनको ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू मैन। बट इसका कहने का ये मतलब नहीं कि मर्दों की मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके कहने का मतलब ये है कि मर्दों और औरतों दोनों को मेंटल हेल्थ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, एंड देन वी कैन यू नो सपोर्ट ईच अदर एज अ फैमिली, एज अ कम्युनिटी। और तीसरी बात, इट्स काइंड ऑफ अलार्मिंग एविडेंस हमें ये भी बताता है कि जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है वो हेल्थ केयर या जो हेल्थ केयर जो हेल्प है वो कैनेडियन बॉर्न पॉपुलेशन के मुकाबले में बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम रीच आउट करते हैं। दे स्ट्रगल विद मेंटल हेल्थ बट दे डोंट रीच आउट फॉर यू नो फॉर द हेल्थ मेंटल हेल्थ केयर एज़ कम्पेयर टू कैनेडियन बॉर्न पॉपुलेशन। सो ये सारे फैक्ट्स हमें यही बताते हैं कि हम हमारी कम्युनिटी में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, किस वजह से ज़्यादा है, उसका समझना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहली बात जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, रिसर्च करते हुए, लोगों के साथ कनेक्शन जितना मेरा रहा, जो मैंने समझा है, सबसे बड़ा जो मुझे नज़र आता है टॉप ऑफ द लिस्ट, वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। And I know we all are educated, हम सब जानते हैं, लेकिन हम मेंटल हेल्थ के बारे में अनफॉर्चुनेटली इतना नहीं जानते हैं, बिकॉज हमारा ब्रॉटअप, हमारे पाकिस्तान का जो हम जिस माहौल में पले बड़े हैं उस पर मेंटल हेल्थ पर बात बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है इसके अराउंड। सो लैक ऑफ अवेयरनेस टॉप ऑफ द लिस्ट। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज दीज टाइप ऑफ इवेंट्स, दीज टाइप ऑफ वर्कशॉप्स। बहुत ज़रूरी है कि हम इन डिस्कशन को नॉर्मलाइज करें, ताकि लोग इसको, इसके बारे में जान सकें, इसके बारे में लर्न कर सकें और अपनी ज़िंदगी को बेटर बना सकें। वो स्टिग्मा ना समझें कि मेंटल हेल्थ वर्कशॉप में जाना कोई स्टिग्मा है। सो इट्स नॉट। दूसरा, लैंग्वेज बैरियर है।
बिकॉज आई नो हम सब इंग्लिश बोलना जानते हैं और इंग्लिश इज़ नॉट अ बैरियर, बट जब इमोशंस को एक्सप्लेन करने की बात आती है तो लैंग्वेज इज़ अ बैरियर. बहुत सारे इमोशंस जो हम उर्दू में एक्सप्लेन कर सकते हैं वो अंग्रेज़ी ज़बान में करना, उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है. सो इट्स वन ऑफ द बैरियर्स जो हमने देखा है. और इसमें हमें ज़रूरत है कि जो काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आएँ, इस फील्ड को ज्वाइन करें ताकि ताकि वो हेल्प कर सकें यू नो इमिग्रेंट पॉपुलेशन को, एथनोकल्चर कम्यूनिटीज़ को. कल्चरल डिफरेंसेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. इसके अलावा आई थिंक इमिग्रेशन एक इट्सेल्फ एक जो जर्नी है वो बहुत स्ट्रेसफुल है. हम जब आते हैं तो हमारे ड्रीम्स होते हैं, हमारी अपने आप से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कम मार्जिन होता है हमारे पास फेलियर्स का, बहुत कम मार्जिन होता है हमारे पास मिस्टेक्स का, क्योंकि वो जो लोग पाकिस्तान में हमें देख रहे होते हैं, वी वॉन्ट टू बी द बेस्ट, वी वॉन्ट टू बी मोस्ट सक्सेसफुल. तो फेलियर्स क्योंकि पार्ट होते हैं लाइफ के, जब इमिग्रेंट्स यहाँ आते हैं तो शुरू की लाइफ बहुत मुश्किल होती है. सो उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि हमने इतना मार्जिन नहीं रखा होता तो वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है. इसके अलावा लैक ऑफ सपोर्ट, स्पेशली मर्दों ख़वातीन दोनों के लिए, बिकॉज हम अपनी फैमिली, अपने प्यारों को छोड़ के यहाँ आते हैं और एक नई कम्युनिटी, एक नया सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि दे आर नॉट यू नो वो हमारे जो फैमिली होती है वो फैमिली होती है, तो वो लैक ऑफ सपोर्ट, स्पेशली जब ख़वातीन जो नई माएँ बनती हैं, यू नो प्रेगनेंसी की जर्नी से गुजरती हैं, पोस्टमार्टम पीरियड होता है, उसमें वो लैक ऑफ सपोर्ट बहुत असरअंदाज होती है और एंजाइटी, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, इन चीज़ों का सामना उनको करना पड़ता है. इसके अलावा टैबू, स्टिग्मा. सो अनफॉर्चुनेटली मेंटल हेल्थ इज़ अ टैबू, स्टिग्मा इन आर कम्युनिटी. चाहे वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो, उस पर बात करना हमारे लिए एक स्टिग्मा है, टैबू है, उसे एक्सेप्ट एक्नॉलेज करना बड़ा मुश्किल लगता है हमें. और इसकी मेन वजह ये है कि हम इस पर बात ही नहीं करते, हमने इसको नॉर्मलाइज ही नहीं किया इन डिस्कशंस को. सो हम समझते हैं कि अगर कोई एनजाइटी या डिप्रेशन के अर्ली स्टेजेस से गुजर रहा है तो वो या तो पागल है या यू नो इफ़ समवन इज़ गेटिंग काउंसलिंग सो ही इज़ और शी इज़ क्रेजी. So it's kind of a mindset in our community. So इन सब को ख़त्म करने के लिए जितना ज़्यादा हम इस पर बात करेंगे, जितनी ज़्यादा हम discussions को normalize करेंगे, I think it will be helpful. और इसके बाद एक question भी मेरे पास था, मैं उसका भी answer देना चाहूँगी साथ में. Red flags. बिकॉज अवेयरनेस जहाँ पे आ जाती है उसमें हमें बहुत ज़रूरी है कि हम हमें पता हो कि वो क्या रेड फ्लैग्स हैं जब वी नीड टू रीच आउट फॉर हेल्प. राइट, इट्स नॉट जस्ट एंजाइटी, इट्स नॉट जस्ट काइंड ऑफ यूर स्ट्रगलिंग. सो वो बहुत ज़रूरी है कि हम उनको हमें पता हो. सो फातिमा उस्मान ने ये मुझे क्वेश्चन भेजा था कि व्हेन डू यू नो इट्स टाइम टू गेट प्रोफेशनल हेल्प विद रिगार्ड्स टू योर मेंटल हेल्थ. सो साइन एंड सिम्टम. So here you need to ask yourself some questions. कुछ screening tools होते हैं, screening questionnaires होते हैं, और ये easily आप Google भी कर सकते हैं. Anxiety screening tools अलग होते हैं, depression screening tools अलग होते हैं. To just simplify this, these things, if you are feeling nervous, anxious or edgy, so हम last 2 weeks में आप you know देखेंगे and we ask ourselves कि क्या हम एंग्शियस और नर्वस और एजी लास्ट 2 वीक्स में मोस्ट ऑफ द डेज थे. यू नो मोस्ट ऑफ द डेज का मतलब है कि 7 डेज एंड मोर, एंड जस्ट 2 और मोर डेज इट्स काइंड ऑफ उसके स्केल में लोअर लेवल पे आ जाता है. बट यू नो सेवरल डेज मींस इट इज़ 10 और 12 डेज. सो अगर आप 10 और 12 डेज की कैटेगरी में आते हैं, दैट्स मीन यू नीड टू गेट प्रोफेशनल हेल्प, यू नीड टू गेट सम हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल. अगर आपका यू नो मिडिल में कहीं है, सो यू नीड
to talk to someone and it's good to take reach out to a professional. So iske alawa agar you are not able to stop worrying, आपको मुसलसल परेशानी है किसी चीज़ की और ये परेशानी आप मुसलसल वरी रहते हैं मोस्ट ऑफ़ द डेज, आपके जहन में वो यू नो ख्यालात आते रहते हैं, आप हर वक्त परेशान रहते हैं, सो वो भी एक अलार्मिंग रेड फ्लैग है. इसके अलावा स्लीप बहुत बड़ा जो है फैक्टर है जो हमें बताता है कि हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं चल रही. सो अगर आप सो नहीं पा रहे, यू आर स्ट्रगलिंग विद योर स्लीप, देन यू हैव टू रीच आउट, यू हैव टू थिंक अबाउट योर मेंटल हेल्थ. और एट दैट पॉइंट हमारे पास एक विंडो होती है जहाँ पे आप प्रिकॉशंस कर सकते हैं, जहाँ पे आप उस स्टेज पे जाने से अपने आप को रोक सकते हैं, एक लाइफस्टाइल डेवलप करके, कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज करके. सो वो विंडो अगर आपने उस विंडो के अंदर रहते हुए अगर आपने वो चीज़ें लर्न कर ली, प्रोफेशनल हेल्प ले ली, सो इट्स बेटर रादर देन रीचिंग आउट दैट पॉइंट जहाँ फिक्स करना मुश्किल होता है अपनी इमोशनल चैलेंजेस को. इसके अलावा अगर आप वर्थलेस फील करते हैं, अगर आप होपलेस फील करते हैं, दे आर रियली वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग्स. सो इफ़ यू आर फीलिंग वर्थलेस, इफ़ यू आर फीलिंग होपलेस, सो ये रेड फ्लैग्स हैं. अगर कोई फ्रेंड आपका है जो आपको ये चीज़ें शेयर करता है, सो यू शुड टेल दैट फ्रेंड दैट ही और शी नीड्स अ प्रोफेशनल हेल्प. सो ये सिम्टम्स हैं, लेकिन इसका इजहार हम डिफरेंट तरीके से करते हैं. समटाइम हम गुस्सा ज़्यादा आता है हमें, समटाइम माएँ अपने बच्चों पे ज़्यादा यू नो गुस्सा निकाल देती हैं, एंड देन वो रिग्रेट करती हैं, उनको गिल्ट होता है. समटाइम आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो जाते हो जब आपको लगता है कि आप इसको अवॉइड कर सकते थे. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो आपको बताती हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ यू नो ख़राब हो रही है एंड यू नीड हेल्प. सेल्फ वर्थ, जब आपको सेल्फ वर्थ के बारे में डाउट होना शुरू हो कि आई एम नॉट वर्दी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़राब होने लगे, दैट इज़ ऑल्सो सम रेड फ्लैग्स. सो दैट मीन दैट यू नीड हेल्प. And counseling or therapies, there is no harm in taking that. They are just the ways to help you to fix yourself before you break. So that's just some help when you need it. अगर आप right time पे वो help ले लेते हैं, so आपकी life और आपसे जुड़े बहुत सारे लोगों की life better हो सकती है. और इसमें कोई स्टिग्मा नहीं है, इसमें कोई टैबू नहीं है. हाउ टू डील विद इट, कि अगर हमें ऐसा फील होने लगे कि वी आर स्ट्रगलिंग मेंटली, सो हम कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में ऐसे ला सकते हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है, हमें रिजिलियंट बनाती है, हम बेटर तरीके से कोप कर सकते हैं. लेकिन वो एक लाइफ स्टाइल होता है, वो आप इस तरह नहीं हो सकता कि आप यू नो यू जस्ट नेगलेक्टिंग यूर सेल्फ, एंड वो एक पॉइंट आ जाता है जब यू कैन नॉट फिक्स इट. सो दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल जो आप माइंडफुली डेवलप करते हैं. उसकी कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से और माइंडफुल वर्कशॉप से अपनी मेंटोर से लर्न की, एंड आई वॉन्ट टू शेयर विद यू. सबसे पहले एक्नॉलेजिंग yourself, acknowledging your weaknesses and strengths. This is very important. आपको अपने आप को accept करना होगा the way you are. When you accept yourself the way you are, your weaknesses and strength, then you can work toward being a better version of yourself. So जब आप अपनी weaknesses को भी accept करते हैं, then you are telling yourself that now I can correct and I can become a better version of myself. So I think ये मेरा एक बहुत important message है कि every day is a chance for us कि हम to become a better version of ourselves, to learn and improve. That's really important. And self-awareness. Self-awareness में
आपकी वीकनेसेस स्ट्रेंथ आ जाती हैं. सेल्फ अवेयरनेस में आपको ये पता होना चाहिए, यू नीड टू स्टॉप फॉर सम टाइम. हम बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आपका हालचाल क्या है. कितनी दफ़ा हमने अपने आप से पूछा कि हम कैसे हैं और हम कैसा फील कर रहे हैं. सो इन सेल्फ अवेयरनेस यू हैव टू स्टॉप फॉर फ्यू मोमेंट एंड टॉक टू योर सेल्फ. आस्क योर सेल्फ हाउ आर यू फीलिंग एंड वॉट आर द थिंग्स जो आपको हेल्प करती हैं, जो आपको जब आप मेंटली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको बेटर महसूस होता है. वो एक वॉक भी हो सकती है, वो आप किसी अपने को कॉल करते हैं वो भी हो सकता है. इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. कोई क्रिएटिव थिंग चीज़ भी हो सकती है. कुछ लोग गार्डनिंग में उनको अच्छा महसूस होता है. कुछ लोग यही माइंडफुलनेस जो है अदर चीज़ों में फाइंड करते हैं. बेकिंग है, ज्वेलरी मेकिंग है, मर्दों के लिए शायद वो दूसरी एक्टिविटीज़ हों. सो दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल, सो वी शुड हैव एटलीस्ट वन और टू क्रिएटिव एक्टिविटीज़ इन आर लाइफ जो हम जो हमारी रूटीन से अलग हों और वो हमें हेल्प करती हैं टू कोप वैन वी स्ट्रगल. वो आपका मी टाइम भी होता है जब आप एवरी डे यू टेक आउट 5 or 10 minutes फॉर योर सेल्फ. इट्स बोथ फॉर मैन एंड वुमेन, इट्स नो डिफरेंस इन इट. और इसके साथ टॉक्सिक पीपल. सो क्योंकि हम पाकिस्तान में नहीं है जहाँ पे हमारे पास सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, हम वेंट आउट कर सकते हैं. सो यहाँ पे आपसे मेरा ये सवाल होगा, कितने लोग हैं जिनके पास दो ऐसे लोग हों जिन पर वो ट्रस्ट कर सकते हो और आपको बिलीव हो कि जो बात आप उनसे कह रहे हैं वो बात वो अपने तक रखेंगे और आगे नहीं पहुंचाएंगे. एंड दे आर गुड लिसनर्स, दे विल लिसन व्हाट यू आर सेइंग. वी आर सो कितने लोग हैं जो समझते हैं कि उनके पास दो ऐसे लोग हैं. ओके, सो फ्यू पीपल. सो वी नीड टू लुक अराउंड आवर सेल्फ. वी नीड टू डेवलप इंटेंशनली. हमें इंटेंशनली अपने आप को ऐसे लोगों के से सराउंड करना पड़ेगा जो हमारे लिए पॉजिटिव हैं, जो हमें अपलिफ्ट करते हैं, जो हमें इनकरेज करते हैं. और जो टॉक्सिक लोग हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए टॉक्सिक हैं, जो आपको की लैग पुलिंग करते हैं या जिनसे आपको बेटर फील नहीं होता, जस्ट थ्रो देम आउट ऑफ योर लाइफ. एंड दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड you know, just delete them, block them, because your mental health is important for you, not for them. It's your journey, it's your life. So agar aap apni life ke bare mein nahi sochenge to koi dusra nahi sochega. So kindness starts from ourselves. So hame apne aap se pehle kind hona padega, tab hi hum dusron se kind ho sakte hain. So this is really important. इसके अलावा बस एक दो बातें मैं और कहूँगी कि सेल्फ केयर रूटीन आपने डेवलप करनी पड़ेगी. वो आपको हेल्प करेगी जब टफ़ टाइम आए तो आप रिजिलियंट हों, आप यू नो बाउंस बैक कर सकें. उसमें मी टाइम 10 औरतों के लिए, और ये मर्दों के लिए भी हो सकता है, 10 माइंडफुल मिनट इन द मॉर्निंग. सो जो बिजी मॉम्स हैं वो जल्दी उठ के अपने आप को वो 10 मिनट दें एंड इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ. बिकॉज वो केओस से पहले अगर वो माइंडफुल मिनट आपने अपने आप को दिए तो वो आपकी जो माइंडसेट है उसको चेंज कर देगा एंड यू नो योर मेंटल हेल्थ विल गेट बेटर विद इट. सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ. इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं खुद जिस पर बिलीव ना करती हूँ या जिसको खुद मैं प्रैक्टिस ना करती हूँ. सो वट एवर आई एम सेइंग आई बिलीव इन इट, आई प्रैक्टिस इट. और इसके अलावा एक या दो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में रूटीन में होनी चाहिए, जो कोई भी हो सकती हैं. शुड बी क्रिएटिव, डिफरेंट एंड व्हाट यू डू इन योर डेली लाइफ. वो मर्दों के लिए अलग हैं, औरतों के लिए अलग हो सकती हैं, लेकिन वो आपकी जो डेली रूटीन है, अगर आप डॉक्टर हैं या अगर आप बिजी मॉम हैं, वट एवर यू डू, जो भी आपका प्रोफेशन है उससे हटके होनी चाहिए. एंड यू शुड कीप यू नो 30 मिनट्स और 1 hour फॉर दैट एक्टिविटी इन अ वीक. सो दैट्स रियली गुड. इसके अलावा
जो लोग टफ टाइम से गुजर रहे हैं या किसी रफ पैच से गुजर रहे हैं, जस्ट वॉन्ट टू से टू दैम दैट कीप गोइंग. जैसे आपने सुना होगा कि एक जो डार्क टनल होती है उसके आखिर में रोशनी ज़रूर होती है, बट यू हैव टू कीप वॉकिंग, कीप गोइंग टू रीच दैट लाइट. और अगर आप स्ट्रगल करें, कुछ माइंडफुल एक्टिविटीज़ हैं, कोपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपको मदद कर सकती हैं, उसमें डीप ब्रीदिंग इज़ द मोस्ट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेटजी. 5 मिनट आप जो डीप ब्रीदिंग करते हैं, वो आपकी एक नर्व होती है जो ब्रेन से आपके बैक से होती हुई पूरी बॉडी में जाती है, एंड इट प्रेस दैट नर्व व्हेन यू टेक अ डीप ब्रेथ, एंड दैट गिव योर ब्रेन अ सिग्नल टू काम डाउन. सो दैट कैन इंटायरली चेंज यू नो योर माइंड सेट, मेक यू मोर माइंडफुल, और इट्स रियली कामिंग. इसके अलावा जर्नलिंग इट्स रियली माइंडफुल, वेरी गुड एक्टिविटी. जब आप अपनी इमोशंस को लिखते हैं, स्ट्रगल्स को लिखते हैं, सो वो एक्चुअली आपको एक्चुअल पिक्चर देती है कि आपकी स्ट्रगल्स क्या हैं, एंड यू कैन एक्चुअली ट्रैक योर स्ट्रगल्स, एंड देन यू कैन गो बैक एंड सी दैट हाउ मच डिफरेंस यू नो आपने कितना इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में किया है अगर आप वापस जाएँ. और फिर आपको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स का पता चलता है, बिकॉज दैट्स अ विजुअल ऑफ योर इमोशनल हेल्थ, दैट्स अ विजुअल ऑफ योर इमोशनल स्ट्रेंथ्स. इसके अलावा ग्रैटिट्यूड जर्नल, हम हर रोज़ यू नो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, सो स्टॉप एंड थिंक अबाउट 2 or 3 गुड थिंग इन योर लाइफ, एंड दे आर सो मैनी, बिलीव मी. इफ़ यू आर गोइंग थ्रू वेरी बैड टाइम, toughest time of your life, still you have many things to be grateful. So write it down. That's really helpful. So in the last, just know your worth. Tell yourself that you are worth it, you are brave, you are tough, and you deserve all respect and love. So give yourself respect and love, and you'll get the same back. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Afira. Be thoughtful, stop, ask yourself if you're feeling okay. Are you all right? Be kind to yourself, very important. Apne se poochhein, kya tum theek ho? Kya tumhe wo mil raha hai jo tum chahte ho? Kya tumne aaj aaram kiya? Kya tumhe kisi ne recognize kiya? या क्या तुम्हारे होने या ना होने से कुछ फ़र्क पड़ता है? अपने आप के साथ काइंडनेस बहुत इम्पॉर्टेंट, आपकी रूह को, आपके दिमाग को, आपकी नफ्सियात को रिफ़्रेश करने वाले बड़े खूबसूरत क्वेश्चंस. बहुत शुक्रिया डॉक्टर फीरा. नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूँगी जी डॉक्टर मिस रेहान रफीक से, रजिस्टर्ड सोशल वर्कर, active person, serving the community, making a difference. सबसे important चीज़ कि वो multidisciplinary को deal करती हैं और हमारे जो मसाइल हैं, हमारी जो मुश्किलात हैं उससे भी वाकिफ हैं, और जो common North American मसाइल हैं families के उससे भी वाकिफ हैं. तो I will give her the podium, please, an address. Thank you. Assalamu alaikum. जैसा इन्होंने बताया, मेरा नाम रेहाना रफ़ीक है. मैं सोशल वर्कर हूँ, पाकिस्तान से मास्टर्स करके आई थी, लेकिन यहाँ आके दोबारा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में मुझे एमएस मास्टर्स इन सोशल वर्क किया. और फिर ज़्यादा मेरा जो तजर्बा है, जब मैं बग़ैर डिग्री किए भी YWCA एक शेल्टर है, वमेन शेल्टर है, उसमें काम करती थी डोमेस्टिक वायलेंस पे, जहाँ पर लोग जो है वो घरेलू लड़ाई झगड़ा करके तो जेल में चले जाते हैं आदमी और औरतें, जो बाज शेल्टर में हमारी तो इतनी नहीं आती लेकिन बाकी कम्युनिटीज़ से आती हैं. तो फिर मैं उधर औरतों के साथ भी काम करती थी, और वो आदमी जो जेल चले जाते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि आपने ये कोर्स करना है बिफोर के हम आपकी जो है वो चार्जेस हटाएँ. तो वो मैं ग्रुप रन करती थी जिसमें मल्टी कल्चरल ग्रुप, जिसमें हमारे पाकिस्तानी भाई अफगानिस्तान, मोस्टली इंडिया, मिडल ईस्ट से आते थे, जो चार्ज होते थे, और उनको फिर कोर्स करके वापस
चार चढ़ाना होता था. उसके बाद मैंने मेंटल हेल्थ में काम किया. जो लोग सफ़र करते हैं एनजाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया और जो डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ हैं, उसकी मैं काउंसलिंग करती हूँ. AHS के साथ काम करती हूँ. आजकल सीनियर फैसिलिटी है, उसमें काम करती हूँ, लॉन्ग टर्म केयर. सो मेंटल हेल्थ बहुत ही लंबा टॉपिक है. मैं छोटे छोटे आपको बग़ैर टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल किए बताऊँगी कि मेंटल हेल्थ होता क्या है. जो भी हम में से बॉर्न होता है ना, जो भी बंदा, जिस जिसका दिमाग है, हम सारों की ज़हनी सेहत होती है. सेहत अच्छी होती है या बुरी होती है, ये एक अलग क्वेश्चन है. वो बीमारी नहीं होती, वो उसको मेंटल हेल्थ कहते हैं. जो ज़हनी सेहत और ज़हनी बीमारी में फ़र्क है, जो मेंटल इलनेस है ना, मेंटल हेल्थ हो गई अच्छी या बुरी, हम सारे दिमाग के साथ पैदा हुए हैं और वही अकाउंट करती है. मेंटल इलनेस होती है जो डॉक्टर ने डायग्नोज की होती है. उसका क्या वजह होती है कि हमारे ब्रेन के अंदर, जैसे जिस्म के अंदर केमिकल्स होते हैं, ऐसे ब्रेन के अंदर भी होते हैं, कुछ केमिकल लो हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे सर्टन बिहेवियर्स होते हैं. जो डॉक्टर के पास हम जाते हैं कि हमारे प्रॉब्लम हो रही है, फिर वो डायग्नोज करता है कि आपको डिप्रेशन है, एनजाइटी है या स्ट्रेस है या क्या, फिर वो आपको मेडिकेशन पे लगा देता है. उसको मेंटल इलनेस कहते हैं. तो उस ये बड़ा फ़र्क है. अब जो उसकी आगे मेंटल हेल्थ जो है ना, वो अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस डिफरेंट होती है. अब हम कैसे पता करें कि ये मुझे, जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी मेरा जॉब पे अच्छा दिन नहीं हुआ या हस्बैंड के साथ आर्ग्यूमेंट हो गई, मेरा मूड उदास हो गया, तो क्या ये मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब है या मैं मेंटली सिक हूँ या ये मेरी टेम्प्रेरी है या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कैसे पता चलेगा? तो तीन निशानियाँ हैं कि मुझे मेंटल हेल्थ हो गया. पहली निशानी यह है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा. मेरे सर के ऊपर एक काला सा बादल है, हर चीज़ एक पहाड़ लग रही है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, बाहर जाने का भी दिल नहीं कर रहा. जब आपने ये फील कर लिया कि बस मुझे कुछ भी चीज़ इन्जॉयमेंट नहीं दे, फिर दूसरी निशानी क्या है, दूसरे भी कहना शुरू हो गए कि आप वो नहीं हैं जो थे, कुछ थोड़ा बहुत चेंज है आपके बिहेवियर में, आप कुछ चुप रहते. और तीसरी चीज़ क्या है, ड्यूरेशन. ये ड्यूरेशन कितनी होती है, 6 वीक से मोर अगर आप एक ही लाइन में फील कर, कभी हम खुश हुए, कभी उदास हुए, कभी किसी को गुस्सा कर लिया, ये गुड और बैड मेंटल हेल्थ है. लेकिन जब ये 6 महीने तक या 5 महीने तक चलती जाए और आपको पता चले कि कुछ मेरी जिस्म में ऐसी चीज़ है कि मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लग गया, मुझे बच्चों के ऊपर गुस्सा आने लग गया, मुझे घर में जो है कोई चीज़ खाना अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करने का दिल नहीं चलता करता, तो ये सबसे बड़ी निशानी है. सो तीन चीज़ें कौन सी हो गई, एक आपने फील किया कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, दूसरा लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया, और तीसरी ड्यूरेशन. अगर ड्यूरेशन शॉर्ट है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्ट्रेस है वक्ती तौर पर इन्वायरमेंट. तो ये तीन चीज़ें जब आप अपने में नोटिस करें, तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम सफ़र कर रहे होते हैं, या हो सकता है जेनेटिक हो, जैसे मुझे जेनेटिक एनजाइटी थी, मुझे बहुत बड़े होकर पता चला कि जो मैं छोटी छोटी बात में कि अब्बू घर नहीं आए, अम्मी घर नहीं आई, बच्चे घर नहीं आए, कुछ बुरा हो गया होगा, तो मुझे कभी पता नहीं था क्योंकि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस नहीं थी कि ये एनजाइटी है. जब मैं बहुत बड़ी हुई तो फिर मुझे पता चला कि ये एनजाइटी है, फिर मैंने डॉक्टर से हेल्प ली, मेडिकेशन ली, तो काफ़ी बेहतर हुई, लेकिन 100% नहीं हुई. तो इसलिए जब आपको ये लगे कि आपकी मेंटल हेल्थ नहीं है, तो सबसे पहले हमारे घरों में क्या होता है, आपस में माँ बाप, बहन भाइयों या हस्बैंड वाइफ के साथ इख्तलाफ पैदा होना शुरू हो जाता है. बीवी ये समझती है कि इनको हर वक्त गुस्सा चढ़ा रहता है, और आदमी ये समझता है कि मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो गया हुआ है. तो ऐसे मौक़ों पे देखें, मेंटल हेल्थ जो है काउंसलिंग है, वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, $200 घंटे का लेते हैं. अब हमने क्या करना है कि हमने अपने सर्कमस्टेंसेस के अंदर रह के उसके लिए कोई हल सोचना है. तो उसका बेस्ट हल क्या है कि आपस में, मेरे साथ तो ऐसा होता था, अब मैंने रह के सीख लिया है कि जब मेरी और मेरे मियाँ की किसी बात पर आर्ग्यूमेंट होती थी तो मैं 3 दिन उनसे बात ही नहीं करती थी. हालांकि ये बेस्ट टाइम है कि आप एक दूसरे से खुश नहीं हैं, आप बात करेंगे, आप खुश क्यों नहीं हैं, लेकिन हम पहले नाराज़ हो जाते हैं, उसके बाद मेरा मूड ऑफ, उसके बाद उनका, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है ना हम बात करना शुरू हो जाते हैं. सो ये हमारे कल्चरल का हिस्सा है, हमारी लॉजिक है कि जब हम नाराज़ होते हैं, चलो 10-15 मिनट नाराज़ हो गए, फिर आपस में बैठ के कहें आपने जो ये बात कही थी मुझे अच्छी नहीं लगी, और मैं कहूँ कि जो आप, मेरा मियाँ कहे कि जो आपने बात की थी, या मेरे बच्चे कहें अच्छी नहीं लगी, लेट्स टॉक अबाउट इट, और इसका कोई दरमियाना रास्ता फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह हमारी आपस में आइंदा ये ना हो. जैसे ज़्यादातर झगड़े जो होते हैं ना, हमारे गुस्से की वजह से होते हैं, और गुस्सा बीमारी कब बनता है, देखें कोई आके हमें बैठे बैठे थप्पड़ मार जाए, तो अगर हमें गुस्सा ना चढ़े, हम हंसते रहें, तो वो तो
नॉर्मल नहीं है ना, अगर कोई थप्पड़ मारता है तो आपको गुस्सा चढ़ना चाहिए, लेकिन उस गुस्से को जब आप एग्रेशन में चेंज करते हैं, उठ के चीज़ें तोड़ना शुरू कर देते हैं, हमला करते हैं, अगले के दांत तोड़ देते हैं, इसका मतलब है कि अब आपको ठीक है, आपको कोई थप्पड़ मारता है आपका दिल ज़रूर करता है, लेकिन इंसान के अंदर आपको पता ना कि जैसे आपने देखी होती हैं जो करतब करते हैं, कैसे पतली सी रस्सी पर चल जाते हैं, ठीक है ना, कैसे ऐसी ऐसी माउंट एवरेस्ट पे लोग पहुंच जाते हैं, ये अल्लाह ताला हमें बताता है कि इंसान के अंदर चेंज होने की बहुत बड़ी सलाहियत है। अब वो जो 5 मिनट के लिए हमें गुस्सा आया होता है ना, उसको अगर हम गहरा सांस लें और कमरे से बाहर चले जाएं कि अभी मेरे तमाम बॉडी के जो केमिकल हैं वो मेरे ब्रेन में चले गए, अभी कुछ मैं जो बोलूँगा मैं 5 मिनट बाद पछताऊँगा। सेम विद लड़कियों पे भी ऐसा ही होता है कि आप गुस्से में बोलते हैं, फौरन एक दूसरे के माँ बाप को पहुँच जाते हैं, बच्चों को हम कहते हैं कि ये है ही नाकारा, इसको कनाडा ला के मैंने गलती की, हम यहाँ बेहतर इन लोगों के लिए हम आए थे और इनको देखो ये अंग्रेज़ी बोलते हैं, ये हमें सलाम नहीं करते, ये दूसरे कपड़े पहनते हैं, ये सारा दिन डिवाइसों पर लगे रहते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है मेंटल हेल्थ की सबसे बड़ी निशानी है कि आपको गुस्सा आया है और आपने उसको हैंडल प्रॉपरली नहीं किया, आपने उठ के अगले को मारा। तो इस वक्त जैसे शुरू से हम कह देते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ये गारंटी है कि अगर हम अपने दिमाग पे जोर दें, अगर हमें लगता है कि हमें लगेगा ही क्यों, क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते ना, मैं अगर गुस्सा करूँगी मैं कहूँगी हाँ मुझे गुस्सा आया था लेकिन उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, मैं कभी ये नहीं सोचूंगी उसने जो किया वो तो उसका रिएक्शन था, जो मैंने किया मैं उसकी फुल रिस्पॉन्सिबल हूँ। हम जस्टिफाई करते हैं, हम ब्लेम करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, हम हमेशा वो चीज़ फिक्स करने की कोशिश करते हैं जो दूसरे के पास है, ठीक है ना, मेरी बीवी अच्छी नहीं है, मेरा मियाँ अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, इसलिए मुझे गुस्सा चढ़ता है। नहीं, ये हमारी अपनी प्रॉब्लम है, मैं इमोशनली अपने आप को कैसे हैंडल करती हूँ ये मुझे सोचना है, मैं अपना रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं दे सकती कि मुझे खुश करो, मुझे गुस्सा चढ़ाओ, मुझे अब ये कर दो वो कर दो, मैंने खुद सोचना है कि चलो मेरी, मेरे बच्चे की और मेरे मियाँ की लड़ाई हुई है, बेशक मैं बहुत अच्छी हूँ, 10% ताली दोनों हाथों से बच्चे, कुछ मेरा भी कसूर है, मैंने उसको पिन पॉइंट करना है कि मैंने कैसे हैंडल नहीं किया और आइंदा ज़िंदगी में अगर ऐसी सिचुएशन आई तो मैं कैसे करूँगी। तो हमारी कम्युनिटी का क्या मसला है कि हमारे यहाँ आदमियों का कसूर नहीं है, हमारे कोर बिलीव्स हैं, हमारे माँ बाप ने हमें बताया कि आदमी स्ट्रांग होता है, आदमी रोता नहीं है, आदमी घर का इंचार्ज होता है, किसी का जनाजा हो जाए सबसे पहले क्या कहते हैं, आपने इन सब का ख्याल रखना, तुम ही रोने लग जाओगे तो औरतों को कौन संभालेगा, राइट। ये अलाउ नहीं करते कि ब्रेन तो एक ही तरह काम करता है ना, उसको भी पूरा उतना ही हक है कि वो रोए, वो बैठे, वो अपने आप को, इसीलिए मर्दों में सुइसाइड का रेट ज़्यादा है, औरतों का कम, क्योंकि औरतें फ़ौरन अपनी माँ को फ़ोन करती हैं, बहनों को, सारा कुछ डीब्रीफ कर देती हैं और थोड़ी देर बाद रिलैक्स हो जाती हैं, या उनको अच्छा नहीं लगता किसी बात पे गुस्सा आता है वो डॉक्टर के पास चली जाती हैं। आदमी हमारे यहाँ थोड़े स्टबर्न हैं, वो क्या कहते हैं, जैसे मेरी और अगर घर में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है या बच्चे और बाबा की लड़ाई है तो वो अगर उनको कहते हैं कि आपको गुस्सा आता है, जैसे हमारे आजकल के बच्चे आपको पता ही है यहाँ पे रहते कहते हैं यू हैव टू गेट सम हेल्प, तो हमें इतना गुस्सा चढ़ता है कि इनकी जरूरत कैसे हुई, तो माएँ तो फिर भी बर्दाश्त कर लेती हैं, तो बाप कहते हैं मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे जाके तुम अपना इलाज कराओ, या बीवी अगर मियाँ को कहती है कहते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँ, मैं मेंटल हेल्थ का इलाज करूँ, गलती तो सारी तुम्हारी है। अगर थोड़ी देर के लिए सोचेंगे, देखें हम जिस माशरे से आए थे वहाँ बचपन में, मेरी अपनी अम्मी, अगर मेरे मियाँ यहाँ आते हैं वो कश्मीर में जॉब करते हैं, अगर मेरी अम्मी और मेरे मियाँ एक वक्त में यहाँ पे आए हो ना और वो बर्तन धो रहे हों, तो मेरी अम्मी मुझे इतना गुस्सा करती हैं, अंदर जाके कमरे में कहती हैं अगर तुम्हारी बसने की मर्जी नहीं है तो तुम इसको साफ अल्फाज में बता दो, तुम्हें इतने काम करवाने की ज़रूरत है, ये कोई अच्छा लगता है। तो अब मैं उनको इल्ज़ाम नहीं देती, मैं उनको ये मार्जिन देती हूँ कि वो जिस सोसाइटी से, जिस कल्चर से, जिधर से आई हैं, उनकी यही सोच होनी चाहिए। इसलिए आपको अगर माँ बाप ने इस तरह करके बड़ा किया है कि आदमी का ये काम नहीं है, आदमी जो है वो आता है काम से और बैठ जाता है और औरत जो है वो सारे काम करती है, तो ये हमारी मेंटल जो है ना इसको चेंज करना पड़ेगा। डिशेस को, वैक्यूम को, बच्चे के डायपर को पता ही नहीं है कि उसको चेंज करने वाला औरत है या मर्द है, डिशेस को नहीं पता कि मुझे धोने वाली औरत है या मर्द है, बस वो धुली भी चाहिए घर में, वैक्यूम को नहीं पता कि मुझे करने वाले हाथ मर्द के हैं या औरत के हैं। तो इन मुल्कों में आके सबसे बड़ी, हम इमिग्रेंट्स को क्या स्ट्रेस होती है, मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ कि वहाँ से बहुत अच्छे घरों से आते हैं, क्यों भला, टिकट ही जो है ना वो 2 लाख 1 लाख का है, जो यहाँ पहुँचता है वो ज़रूर किसी अच्छे घर से, यानी खाते पीते घर से आया हो, आते साथ हमें क्या होता है,
थ्रिफ्ट स्टोर के सोफे लेने पड़ते हैं, थ्रिफ्ट स्टोर से माइक्रोवेव लेना पड़ता है, बेसमेंट में घर लेना पड़ता है। आप सोचेंगे ये सारी हालत जब होगी तो कैसे हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट नहीं होगी, हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं मेंटल हेल्थ का मुझे कोई इशू ही नहीं है। मेंटल हेल्थ का ये मतलब नहीं है कि हम पागल हैं, मेंटल हेल्थ का ये मतलब है कि जो इन्वायरमेंट हमारे अराउंड है हम उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो जब ये स्ट्रेस होती है तो औरतें आदमी को ब्लेम करती हैं, तुम्हारी वजह से मैं आया था, आदमी कहता है, और औरतें कहती हैं कि आपकी वजह से, वहाँ तो हमने मासियाँ रखी हुई थी, वहाँ तो हमने मुलाजम रखे हुए थे यहाँ पे आके। तो हम दोनों को ये समझना चाहिए, औरतों को भी, कि ये जो मर्द है ना ये भी हमारी तरह कैसे आया है, बहुत हाई स्टैंडर्ड से आया और यहाँ हम क्या सपना देख कर आए थे कि हम आगे जाएंगे, जबकि हम वहाँ जहाँ से हम आए थे उधर से ज़ीरो पे आ गए। और अब ये जो आदमी है, क्योंकि हमने उसको हेड बनाया हुआ अपने माशरे में, हमने कहा हुआ कि तुम जो है फैमिली के अर्नर हो, उसके ऊपर कितना प्रेशर है, उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि मैंने आपको बेसमेंट का किराया भी देना है, मैंने घर को फर्नीचर भी करके देना है, सब कुछ करके देना है। आदमी को भी समझना चाहिए कि औरत जो है ना ये भी बड़े अच्छे घर से आई हुई है। अब हम दोनों ने जो है ना, हमारे पास तो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, अगर हम आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे और लड़ेंगे, क्योंकि दोनों को स्ट्रेस है। अब ये तो सारी वजहें हो गई ना कि स्ट्रेस है आपस में, अगर हम एक दूसरे को समझें और सोचेंगे, हमारी कंपेनियनशिप जो है वो पार्टनरशिप है, अल्लाह ताला ने मुलाजम और बीवी और खावंद में फ़र्क रखा है। अगर फ़र्ज़ करें आप में से लगता है कि आपकी बीवी को मेंटल हेल्थ है, तो बजाय इसको ताने देने के जाओ जाओ अपने दिमाग का इलाज कराओ, तुम्हारा तो दिमाग ही ख़राब है, कहें क्यों ना डॉक्टर के पास चलें। क्योंकि अगर किसी को कैंसर हो, हम में से किसी एक के पार्टनर को या बच्चे को कैंसर हो, तो इस बात होंगे अपना इलाज करो, तुम्हारी गलतियाँ एकदम उसके साथ आ जाएंगी, हम नज़र नहीं में जाते हैं तो उनके केमिकल, उनके हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे जा रहे होते हैं। और बच्चे का ब्रेन कभी डेवलप होता है 26 ईयर्स में, उससे पहले क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके हार्मोन्स ऊपर नीचे, ठीक है ना। हम बच्चों को क्या कहते हैं कि इसके पढ़ने की मर्जी नहीं है, ये डिवाइसों पे चढ़ा रहता है, ये जो है ना ये हमारे जैसा बच्चा है ही नहीं। घर में हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी कल्चर इख्तियार करे, 5 वक्त की नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, मॉडर्न ड्रेस करे, और जब वो स्कूल में जाते हैं उनको बहुत डिफरेंट माहौल मिलता है, उससे क्या होती है उनकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। आप सोशल मीडिया उठा के देखें, मेरी अपनी बच्ची है 20 साल की, मुझे हर वक्त मुझे कहती रहती है, हम मम आई एम सॉरी मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। मैंने कहा तो क्या हुआ, मैंने कहा बच्चे मैंने कभी नहीं कहा, उनको सोशल मीडिया बताता है कि आपकी अम्मियों का आपको बैक होम लेके जाएंगी, अरेंज मैरिज कराएंगी, आपको ज़रूर वो डॉक्टर बनाना चाहती हैं, उसके अलावा खुश नहीं। अब इतना बच्चों का वो माइंडसेट वीडियोस देख देख के हो गया हुआ ना कि हमने इसको टेक ओवर करना है और उनको बताना है जो फील्ड तुमने ज़िंदगी का चूज़ करना है तुम करो, तुमने फ्रेंड्स के साथ जैसे बात करनी है, मगरब का मेरा असूल है तुम घर आ जाओ, उनको रूम दें, उनकी बात सुने, क्योंकि उनको पता है कि मेरे माँ बाप को तो मेंटल हेल्थ का पता ही नहीं है, वो स्कूल में रो रहे हैं, काउंसलरों के पास जा रहे हैं, मैट्रिक में जाते साथ वो वीड पे लग जाते हैं। क्या होता है वीड, उनका वो दर्द सुला देता है, ठीक है ना, उनको नम कर देता है उस पेन को, क्योंकि घर में तो कोई समझता ही नहीं है, हम यल कर रहे हैं, दरवाजे मार रहे हैं, मियाँ बीवी लड़ने शुरू हो जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा भी जब हम आर्ग्यू कर रहे होते हैं, छोटा सा बच्चा आपकी गोद में वो कान पे हाथ रखता है कि वो ये सुनना नहीं चाहता। तो आप इससे क्या होता है, जब घर में टॉक्सिक एनवायरनमेंट होती है ब्रेन डेवलपमेंट मुतासर होती है, ये रिसर्च ने साबित किया है कि उसका ब्रेन हेल्थी नहीं होता। जो मैं सादे लफ्ज़ों में कहती हूँ हैप्पीनेस हार्मोन्स जो होते हैं, जब हम कोई चीज़ अचीव करते हैं ना, जैसे मैं कोई पास हो गई या मैंने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया, तो मेरे ब्रेन के अंदर खुशी के केमिकल पैदा होते हैं जो मुझे खुश करते हैं, ठीक है। और अगर मैं उदास होती हूँ तो वो लो वे होते हैं। तो ड्रग्स क्या करते हैं आपके दिमाग के साथ, जैसे मैं 10% मेरा ब्रेन पैदा कर रहा है हार्मोन्स मेरा अचीवमेंट पे, ड्रग्स पे लेके 200 times हैप्पीनेस हार्मोन आपका ब्रेन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो सोचेंगे आप तो हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं, आप कहते हैं इससे अच्छा तो इजी फिक्स है ही नहीं कोई। जब मेरी बेटी स्कूल से आती थी, आके कहती थी, फ़र्ज़ करें वो रोई, हालांकि मैं मेंटल हेल्थ में हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, हम लर्न कर रहे हैं, मम मेरा आज बहुत बुरा दिन गुजरा, मेरी फ्रेंड ने कहा तुम्हारे बाल अच्छे नहीं, तो मैं मम का जो पूरा लेंस है वो लगा लेती थी, मैं कहती किसने कहा है, मैं तुम्हारी प्रिंसिपल से बात करूंगी, वो आगे से कहती ओके नेवर माइंड यू डोंट अंडरस्टैंड, इसलिए कि वो कहना चाहती थी कि मेरी बात सुनो। आखिर में कहती हैं कि मम इस तरह स्कूल में होता रहता है, लेकिन हम उनको शेयर नहीं करने देते, हम अपना लेंस आगे ले लेते हैं प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए। जबकि मेंटल हेल्थ कैसे बेहतर होती है टीनेजर की, सुने
कभी ना कहें कि तुम्हारी जो सोच है वो गलत है। हमारे यहाँ तो ये होता था, हमें तो जूतियाँ पड़ती थी, हमें तो झाड़ू पड़ते थे, चमचे पड़ते थे, जो कि मुझे भी पड़े हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अब मैं अपने बच्चों को ज़रा सा कुछ कहती हूँ, मम यू आर येलिंग एट मी। मैंने कहा येलिंग एट मी यानी ये? मैंने उनको कहा कि अपना कमरा साफ़ करो। हमें तो जूते मार के कहते थे, कान से पकड़ के, कि ये हालत है तुम्हारे कमरे की। तो अब हमने उनको वो नहीं बनाना जो हम थे, हमने उनके मुताबिक चलना। क्यों भला हम कश्तियाँ जला के इधर आ गए? इधर की सोसाइटी ऐसी है, ये जो छोटी बच्चियाँ स्कूल में पढ़ रही हैं, इनको हमसे बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ का पता है, लेकिन ये आके बात किससे करें कि मेंटल हेल्थ मुतासर हो रही है? हम दिल में सोचते हैं अगर मेंटल हेल्थ मुतासर हो रही है, थोड़ी देर में बिहेव नहीं किया तो फिज़िकल हेल्थ भी मुतासर होगी, हमारी ये सोच होती है। तो मैंने जो लर्न किया एवरी डे मेंटल हेल्थ में रह के, कि एज अ वमेन मुझे अपने हस्बैंड का, क्योंकि पहले पता है मैं क्या सोचती थी कि सब कुछ मेरे मियाँ की जिम्मेदारी है, और अगर मैं जॉब करने लग जाऊँ तो मैं इतना एहसान करती थी कि मैं तो कमा के ला रही हूँ। अब मुझे पता चला है कि अगर हम दोनों में से एक की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो दूसरा उतना ही ज़िम्मेदार है। अगर मैं कमा सकती हूँ, वो ठीक नहीं है, उनको गुस्सा चढ़ा हुआ है, उनको टाइम दें, स्पेस दें। ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखा, वरना 24 घंटे में उनको ये ताने देती रहती थी कि आपने बाथरूम का शावर इतना गंदा छोड़ दिया है, टूथपेस्ट की ढकनी आपने नहीं बंद की, और ये आर्ग्यूमेंट जो है ना वो लंबी चलती है, और फिर हम नाराज़ हो जाते थे। अब मैंने सीख लिया है कि देखो, एक से 10 मरतबा अगर वही बात को फ़र्ज़ करें, आदमी जो है मुझे लगता है कि वो दो काम एक साथ नहीं कर सकते ना, उनकी कॉन्सेंट्रेशन एक पे होती है। तो हम उनको क्या करते हैं कि हम कहते हैं यहाँ भी चलें, वहाँ भी चलें, ग्रॉसरी ख़त्म हो गई है, बच्चे के स्कूल में जाना है, और अगर वो तवज्जो ना दें तो हम समझते हैं कि ये हमें इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेंटल हेल्थ आपकी और न्यू जनरेशन की और आपके, बिकॉज मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट करती है आपके, आपके पार्टनर के, आपके माँ बाप, बहन भाइयों, आपकी सोशल लाइफ, आपकी वर्क लाइफ पे। और स्पेशली ये मुझे कह रही थी अलीना कि आप जो जनरेशन गैप है, मैं बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करती हूँ, मुझे 20 साल हो गए काउंसलिंग करते हुए, और अपने लोगों के साथ मैंने इतनी काउंसलिंग की है और अपने बच्चों के साथ। अभी मुझे एक बच्चे का टेक्स्ट आया कि यू आर अ बिग रोल मॉडल इन माय लाइफ, और मैं उनको क्या कहती हूँ? मैं कहती हूँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो आगे से कुरान की कोई आयत बताते हैं, ऐसा क्यों है। मैं कहती हूँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात मैंने सुनी है, लेट्स टॉक अबाउट इट। मैं ये नहीं कहती कि नहीं नहीं, जैसे मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं वो ट्रांस हैं, कहते हैं जी हम पाकिस्तान से हैं, हम जो है ना, अब ये एक फेज़ आता है 9th 10th 11 में कि हर लड़की को लड़का बनने का शौक होता है, जिसको हमारे यहाँ टॉम बॉय कहते हैं। अब यहाँ पे वालदेनों के जो है ना वो एंटेने खड़े हो जाते हैं कि हमारा बच्चा तो जो गे बन गया, लेस्बियन बन गया, ऐसा नहीं होता। वो कोई लड़कियाँ होती हैं जो लड़कों वाले कपड़े पहनना पसंद करती हैं, या कोई लड़के होते हैं जो लड़कियों की तरह, आप उनको कहें ओके यू, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी ये टाइम नहीं आया, जब आप बड़े हो जाएंगे फिर आप फैसला करना किससे शादी करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या करना है। जस्ट लिसन वैलिडेट, और जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो उनको खुद पता चल जाएगा उनकी, क्योंकि हमारा तो कंट्रोल ही नहीं है इस मुल्क में, जो कुछ उन्होंने बनना है वो बन के ही रहेंगे। हमारा काम है कि अच्छी तरबियत करें, बात सुनें, गुस्सा ना करें, और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, ठीक है ना। तो ये कुछ जो मेंटल हेल्थ के, इस ये बहुत लंबा टॉपिक है, मेरे पास टन्स एंड टन्स ऑफ टिप्स हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि घर से अगर शुरू करें, जैसे आप सारे ना डॉक्टर के पास जाएं, आप नोटिस करें अगर बच्चा बहुत एंशियस है, स्कूल मिस कर रहा है, स्मोक कर रहा है, तो उसको कहें कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम्हारे दिल में जो बात है बताओ, मैं वादा करता हूँ कि मैं जज नहीं करूँगा और मैं हेल्प करूँगा। जो मर्ज़ी वो डिस्क्लोज कर दें, आपने उसके हल तलाश करने, क्योंकि हम बड़े हैं और वो छोटे हैं, ठीक है ना। अब अगर ये माइंडसेट लेके आप आएंगे कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरे एक जो क्लाइंट हैं वो भी ज़बरदस्ती के, जो पुलिस ने भेजे होते हैं, आदमी हमारे तो आते नहीं हैं काउंसलिंग के लिए, वो इस जो KP साइड के हैं ना, तो आप सोचें 10 सेशन मैंने उनके साथ लगाए तो जाके उनको मनवाया कि आप कहते बाजी मैं मारता ही नहीं हूँ इसको, मैंने कभी नहीं मारा, मैं सिर्फ गाली देता हूँ। तो मैंने उनको छोटी सी बात कही, मैंने कहा अगर ये आपको गाली दे, बाजी आप कैसी बातें करता है, इसकी ज़रूरत है ये मुझे गाली दे? मैंने कहा आपको बुरा लग रहा है कि उसने वो आपको गाली दे? कहते हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि जो मर्द अपनी औरत को गाली ना दे वो मर्द ही नहीं होता। तो मैंने कहा अगर वही गाली दे तो? कहते गाली दे तो मैं ये वो कर दूँ। मैंने कहा देखो इसी तरह उसको भी गुस्सा चढ़ता है, ठीक है ना। कहता आपकी भाभी जो है वो आपके भाई को गाली दे आप बर्दाश्त कर लोगे? मैंने कहा अगर मेरे भाई ने दी होगी तो ज़रूर वो दे। बाजी आप अजीब लोग हैं, मेरे तो आपसे बात करने का दिल भी नहीं चाहता। तो फिर आहिस्ता 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 करके जो मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, देखें जो वेस्टर्न अप्रोच है ना मेंटल हेल्थ की, कि ये आदमी तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसको तुम छोड़ दो, तुम शेल्टर में आ जाओ,
तुम गवर्नमेंट से मदद लो। हमारे ये होता है कि उसको छोड़ती है, 10 दिन बाद वो फिर पुलिस के पास आती, कहती है हम रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर वापस कैसे लें, क्योंकि उन्होंने साथ रहना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए बेहतर है कि उस लेवल तक पहुंचने से पहले ही आपस में बैठें। बेस्ट टाइम क्या है कि आपको गुस्सा हो, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, रेस्ट करें। अगर आप हम सारे यहाँ से एडमिंटन जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और फ्लैश हो रही है रेड लाइट, बार बार इंजन कह रहा है फ्लैश हो रहा है, ठीक है, अगर हम उसको इग्नोर करके ड्राइव करते रहेंगे तो क्या आप सब गारंटी दे सकते हैं कि क्या आउटकम होगी, ठीक। अब गाड़ी क्या कह रही है कि रुक के इसको फिक्स करें, राइट। इसी तरह जब आपको लगे कि आपको गुस्सा बहुत आ रहा है या घर में कहीं टेंशन चल रही है, स्टॉप, पास, डीप ब्रीथ, और कैसे फिक्स करना है, कहाँ किसके साथ मसला है, मेरी बीवी को गुस्सा चढ़ रहा है, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, बच्चे को गुस्सा चढ़ रहा है, फिक्स करेंगे आगे जाएंगे तो कम नुकसान होगा। एक आपने टायर पंक्चर साथ गाड़ी चलाई तो कितने पुर्जे और ख़राब हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब आपको मेडिकल मेडिकेशन की ज़रूरत पड़े, पुराना ज़माना नहीं है कि स्लीपिंग पिल मेडिकेशन होती, अब मिलियंस ऑफ गोलियां निकल आई हैं जो हमारे उस लेवल पे जब हार्मोन्स चले जाते हैं ना, हैप्पीनेस डोपामिन के, जैसे डायबिटीज़ है, आपको एक लेवल पे चली जाती है तो डॉक्टर कहता है अब आपको इंसुलिन लगेगी, क्या आप रेजिस्ट करेंगे कि नहीं 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 मैं खुश रहूँगा, मैं एक्सरसाइज करूँगा, मैं आइंदा गुस्सा नहीं करूँगा, इंसुलिन ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता ना। तो फिर ब्रेन के केमिकल, जब डॉक्टर कह दे कि आपके केमिकल लो हैं, आप दवाई खाएं, यकीन माने ये सोने वाली दवाइयाँ नहीं हैं, ये केमिकल बैलेंस करती हैं, और उसके बाद जो है आप बिल्कुल नॉर्मल फील करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर छोटा मोटा मसला है तो आपस में कम्युनिकेशन से हल करें, ठीक है ना। तो अगर नहीं फिर भी आपस में बनती तो किसी फैमिली में, काउंसलिंग क्या होती है जिसके लिए गोरे $200 पर आवर देते हैं, बातें करना, अपने दोस्त को कहें, अपने बुराइयां ना करें, कहें कि मैंने ये नोटिस किया, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें। स्पेशली बच्चों को अपना फ्रेंड बनाएं, ज़ाहिर है हमारे माशरे में बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता, बच्चा बाप के सामने सिगरेट नहीं पी सकता, पिएगा तो मार पड़ेगी, बेस्ट फ्रेंड और पेरेंट में थोड़ी सी फाइन लाइन होती है, लेकिन जो वो कहना चाहता है वो प्लीज़ आप सुने, और हर बात में उसको नहीं कहें ये गलत है, ये गोरों का मुल्क है, यहाँ ये होता है ये होता है, अब हम ले के आए हैं वो हमारी चॉइस है, उनका कसूर नहीं है। That's it for me. Stop, pause, breathe, validate, listen. वो तहमुल के अल्फाज जो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए। गुस्सा आया है तो face your guns to the side. Take it easy before you destroy a beautiful relationship. Whether वो आपके बच्चे हैं, आपके शौहर हैं, आपकी बेगम हैं, आपका लाइफ पार्टनर है, कुछ भी है। थैंक यू वेरी मच मिस रेहाना रफीक फॉर योर इनपुट, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। इस प्रोग्राम को अब हम वाइंड अप करेंगे। आई होप ये फर्स्ट ट्राई, ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कि माँ बाप, मियाँ बीवी, जो किसी भी फैमिली का कोर होते हैं, उसकी फाउंडेशन होते हैं, उसका फ्रेमवर्क होते हैं जिसके अंदर फैमिली बनती है, डेवलप होती है, प्रोग्रेस होती है, हम उनको ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने इश्यूज को समझें। और वही पॉइंट जो डॉक्टर फिरा ने भी कहा और मिस्टर हाना रफीक ने भी कहा कि उस पीक पॉइंट में, जो उसकी पॉकेट, जो उसकी विंडो है, उसमें रहते रहते अगर हम इसको एड्रेस कर लें, कहीं से हेल्प ले लें, थोड़ी सी काउंसलिंग ले लें, अपना दिल का बोझ हल्का कर लें, मिल बैठ के बात करके, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके, अपने दिल की बात करके अगर हम इसको सॉल्व कर लें, सो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, घर टूटने से बच जाएंगे, मियाँ बीवी का खूबसूरत कंपेनियनशिप टूटने से बच जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल के सब लोग आए, पार्टिसिपेट किया, हमें सपोर्ट किया, आपके टाइम का, आपकी पार्टिसिपेशन का, आने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।